दोस्तों सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे शॉर्ट्स गोरी है कलैया पे 15 लाख से भी ज्यादा व्यूज और बहुत सारा प्यार देने के लिए। रिनिप्टा मैजिक रॉक्स। दोस्तों इंडियन आइडल 13 के एक बेहतर सिंगर और टॉप 6 फाइनलिस्ट जिन्होंने वोटिंग के हिसाब से नंबर 4 की पोजीशन पे फिनिश किया था, सबकी पसंदीदा विदिप्ता चक्रवर्ती इन दिनों कोलकाता में है। आज एक चैनल के साथ बात करते हुए काफी सारे खुलासे किए, तो चलिए जान लेते हैं उन्होंने क्या कहा अपने और ऋषि के रिश्ते के बारे में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विदिप्ता ने कहा ऋषि उनका बहुत अच्छा दोस्त है और वो उनके साथ युगल गाना बहुत पसंद करती है और उनकी वॉयस फ्रीक्वेंसी बहुत मैच करती है। इसके सिवा कोई रिश्ते के बारे में उन्होंने खुलकर कुछ नहीं कहा। विदिप्ता ने ये भी बताया कि बहुत जल्दी मुंबई शिफ्ट हो रही है अपने दीदी के साथ, क्योंकि जो भी काम के मौके हैं वो मैक्सिमम मुंबई में ही है। एक बहुत बड़ी खुशखबरी विदिप्ता फैंस के लिए, शायद हमें बहुत जल्दी ऋषि और विदिप्ता की ओरिजिनल डुएट सुनने को मिल सकती है, क्योंकि विदिप्ता ने इंडिपेंडेंट संगीत और सेल्फ कॉम्पोजिशन पर भी काम करने के बारे में काफी उत्साह दिखाया। उन्हें बंगाली फिल्म इंडस्ट्री से भी कुछ बेहतर ऑफर मिलने वाली है। उन्होंने ये भी बताया कि यही से उनकी जर्नी शुरू हो रही है और उन्होंने इंडियन आइडल को बहुत धन्यवाद दिया अपने अचीवमेंट्स और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। फिलहाल वो वर्ल्ड टूर की तैयारियां कर रही हैं और अपने फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रही हैं। दोस्तों आप कितने एक्साइटेड हैं विदिप्ता के नए डुएट के लिए? क्या आप हर वीकेंड को ये मिस कर रहे हैं? विदिप्ता ने कहा वो इंडियन आइडल में बिताए हुए लम्हों को बहुत मिस कर रही है। कमेंट में जरूर हमें बताएं, और अगर आप विदिप्ता जोड़ी के फैन हैं तो जरूर इसको लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।